हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। 6 बज चुके हैं और शनिवार को 6 बजे जो 2 घंटे की मैराथन यानी लाइव टेस्ट। अब ये समझ नहीं पाते कि सर लाइव टेस्ट किसका, हमारा या आपका, क्योंकि सर आपके साथ साथ हमारा भी टेस्ट होता है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ आपको एक सप्ताह, वो क्या आपके दिमाग में पल्ले पड़ता है या समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, तो मुझे भी एक तरीके से अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि आप लोग तो तैयारी करते हो और आज ही के दिन अपने आप को आंकते हो कि सर ये 40 का 40 जो प्रश्न है या 40 प्लस जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही होंगे या नहीं होंगे। तो एक काम करना, जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चे जो पता चल सके कि 6 बजे रोहित सर का क्लास या बाबा का क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। और कॉपी और पेन लेकर बैठना, कॉपी और पेन लेकर बैठना। फिर से कहेंगे, नेगेटिव अटेम्प्ट मत करना, ना आए स्किप करना, ये ज़्यादा बेटर है। ना आए उससे बढ़िया है स्किप कर लो, ये ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं जंग। लेकिन याद रहे कि आज एक सेशन हुआ था, उस सेशन में बताया गया सर बहुत सारे वैकेंसी हैं, रेलवे थोड़ा डिले कर रहा है, लेकिन रेलवे में हम लोगों ने क्या किया, RTI लगाया है। बहुत जल्द जैसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं कन्वे कर दूंगा कि सर ये हुआ है। लेकिन ये अश्योर रहिए कि कमिंग हो सकता है महीने दो महीने में रेलवे से कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। तो सर हम अपनी कुल्हाड़ी तो तेज़ रखें ना, तैयारी तो करें। जब रेलवे एग्ज़ाम लेगा मैं ऐसा तैयार रहूं कि रेलवे जब एग्ज़ाम अनाउंस करे मैं हमेशा तैयार रहूं रेलवे के लिए, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे? और जल्दी से मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे मैं और क्रति मैम 17 फरवरी से खासकर CGL और CHSL को टारगेट करते हुए GS को अब लेकर आए हैं। रेलवे भी शुरू हुआ है, रेलवे में भी करंट अफेयर्स के लिए क्रति मैम की एंट्री हो गई है। तो बस, और DRDO हो सकता है आपको देखने को मिले नेक्स्ट वीक, मैं, आकाश सर और हितेश सर। तो तैयार रहिएगा बाबा के साथ, कहाँ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए वाईफाई चैंप, जिनमें से 10% का ऑफ हो। अब चलते हैं लाइव टेस्ट में। अब देखते हैं बच्चा, देखना 45 क्वेश्चन रहेंगे और 45 क्वेश्चन में मैं आपसे कहूँगा कि अगर 45 में आपका 30 प्लस है, 45 में 30 प्लस है, तो ये बहुत बेटर है आपके लिए। 45 में 30 प्लस आपका आता है तो आपकी तैयारी बढ़िया है, बिना नेगेटिव लिए। मेरी बात समझना, 45 प्रश्न में अगर मैं 30 प्रश्न ला रहा हूँ बिना नेगेटिव किए तो सर ये बहुत बढ़िया है। रेशियो कहाँ निकल कर आएगा, 90 प्रश्न यानी 60 और फिर मैथ और रीजनिंग निकल कर आएगा। तो कोशिश करना, 30 प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, 30 प्लस की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ये रहा, हु फिक्सेस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है, भारत के राष्ट्रपति, संसद या केवल लोकसभा या PSC। क्वेश्चन नंबर वन ये आपके सामने रहा। चलिए चलिए जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। पार्लियामेंट भैया, पढ़ाई कर लो, परेशान ना हो, उसके लिए वो कहता है ये कहता है, दुनिया भर की बरकी खबरें मत बताओ, जो सवाल का जवाब लगाओ। चलिए, गुड इवनिंग जो देर से शुरू किए हैं, पहला सवाल है ये, जो देर से जुड़े हैं ये पहला सवाल है। तो सवाल कहता है सर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अच्छा ये बताइए, लोकसभा अध्यक्ष दैट मीन्स एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होता है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, तो सांसद के वेतन को कौन तय करता है, संसद करती है। तो जितने भी वेतन हैं, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सब जो वेतन और सैलरी है वो कौन तय करेगा, संसद तय करेगी।
कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। आपने पहले ही क्वेश्चन में गलती मार दी, यानी मैंने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में लिखा तो थोड़ा आप कंफ्यूज कर गए सर, लोकसभा अध्यक्ष कौन तय करेगा, जबकि लोकसभा अध्यक्ष क्या है ये? लोकसभा अध्यक्ष एज ए एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ये शपथ लेता है क्या कि शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। तो सर एक साधारण एमपी तो है, जब साधारण एमपी है तो कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। समझ में आ गया? बस कोशिश करना, यही कहते हैं कि नेगेटिव मत लो, क्वेश्चन को पढ़िए ना। लोकसभा अध्यक्ष कहा, ये लोकसभा अध्यक्ष ही तो है भारत का एमपी, ऐसा थोड़े कि अमेरिका से उठकर आ गया ये। आरिफ खान जी मैं सब कुछ बता दूंगा, प्लस कैसे लें पहले क्लास कर लो बिल्कुल, ठीक है। पार्लियामेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 79, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, और ये सर पीएससी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसको कौन बनाएगा? तो लोकसभा स्पीकर बनाएगा, यानी जो इसके अध्यक्ष होंगे वो हमेशा ऑपोजिशन से होते हैं, और इसमें मेंबर कितने होंगे? 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सर भारत की संसद द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लेना आने वाले समय में आपके पेपर के लिए। ये क्या कहता है कि 2019-20 से 2019-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने सांसदों की मूल वेतन को 50,000 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 1,00,000 कर दिया। यानी राष्ट्रपति की वेतन 5,00,000, उपराष्ट्रपति 4,50,000, सुप्रीम कोर्ट का CJI 2,80,000, और अदर जज जो हैं वो 2,50,000, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2,50,000 और अदर जज 2.25 लाख। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा समझना कि अभी सांसद का वेतन कितना? 1,00,000 है। तो प्रधानमंत्री का वेतन कितना हो गया? 1,00,000 वेतन हो गया। इसके बाद अलाउंस मिलते हैं, महंगाई भत्ता हो गया, ये टूर करेंगे, ट्रैवल करेंगे, सब कुछ ओवरऑल मिलाकर। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए कि सर हमारे प्रधानमंत्री का वेतन कितना? 1,00,000। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना? 1,00,000। वित्त मंत्री का वेतन कितना? 1,00,000। क्योंकि वो सांसद के रूप में वेतन लेते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये 4,50,000 जो लिखा सो, चलो अब ठीक है, समझ में आ गया? 4,50,000 है, 4,00,000 है। मधु जी परेशान मत होइए, आप अपना काम करिए, ठीक है। अच्छा ये देख लेना, ये 4,00,000 होगा, है ना, ये 4,00,000 है। चलिए मैंने सुधारा अपने आप को, 4,00,000। चलिए अब आगे देखते हैं, उन्होंने सांसदों के लिए एक बात कह रखा है कि प्रत्येक 5 साल में वेतन के एक स्वचालित संशोधन के लिए कानून प्रस्तावित किया है कि मुद्रा स्फीति पर आधारित होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अरे यार प्रधानमंत्री भैया, पबजी स्टार, मैंने कहा सांसद की बात किया। क्वेश्चन नंबर 2, एक जनरेटर क्या करता है, किसमें परिवर्तित होता है एक जनरेटर? हाँ पढ़ाई करो यार, देखो कुछ अनवांटेड हैं वो तो आएंगे ही, वो आपके एग्जाम में भी परेशानी पैदा करेंगे, आपको पढ़ना है बस। हाँ उपराष्ट्रपति का 4,00,000 होता, कर दिया मैंने, चलो चलो जल्दी बताओ। बताओ क्वेश्चन, बताओ दूसरे नंबर का। कहता है सर एक जनरेटर में जो परिवर्तित होता है, क्या परिवर्तित होता है, क्या परिवर्तित होगा? मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, क्या होगा, क्या होगा बच्चे? जरा जल्दी जल्दी, क्विक जल्दी। सर पहला मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ बच्चों को लगेगा सर साउंड एनर्जी होगा क्या, जब जनरेटर चलता है तो बहुत आवाज करता है।
जब जनरेटर चलता है तो बहुत आवाज करता है सर, क्या पता ये साउंड एनर्जी हो। अरे यार वो साउंड वाइब्रेशन उसकी आवाज करता है, वाइब्रेशन यानी हम जो इंपोर्टेंस की बात करेंगे, एक जनरेटर जो एनर्जी की बात करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तभी जाकर हम अपने यहाँ लाइट जो शादी ब्याह में देखते हो ना जनरेटर सेट लगता है ये, यानी। और एक चीज और समझना, पबजी स्टार जो आप इमोजी बनाते हो ना वो इमोजी बंद करो इमोजी प्लीज, और पढ़ाई पे ध्यान दो यार, डिस्ट्रैक्शन होता है इससे, नहीं तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा आपको। यार हमें ये चीज नहीं समझ आता, इमोजी क्या करना, जवाब दो आगे पढ़ो, मतलब कुछ बच्चे हमें ये करते ही नहीं समझ में आता यार क्या करना चाहते हो। सर अगर इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, सर मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड की उच्च सामग्री होती है तो उसे हम किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, उसे हम किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, जल्दी। हाँ अब देखो सही है, पबजी, अरे नाम ऐसे रखो यार, बताओ वी आर ए स्टूडेंट, हम लोग छात्र हैं यार, ऐसे लिखो थोड़ा सा। देख लो क्या मतलब कहें बच्चों को, समझ कते ही समझ नहीं आता। पता है मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा फिर मैं क्या करूंगा, कमेंट्स लूंगा ही नहीं। चलो तो देखो कहता क्या है कि सर एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड की उच्च सामग्री किस प्रकार की मिट्टी में होती है तो पेडलफर मिट्टी में होती है। हमें लगता है ये जवाब गलत देगा बच्चा, ये गलत जवाब दोगे तुम लोग, क्या होगा। तो सर पेडलफर मिट्टी, मिट्टी की बात करें जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो कौन, वो जलोढ़, अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होगी, कौन कौन, एक बांगर और एक खादर। बांगर यानी पुरानी मिट्टियां, खादर यानी न्यू ऑलिवियल सॉइल। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दो प्रकार की, बांगर और खादर। तो बांगर वाजा ओल्ड ऑलिवियल सॉइल, खादर क्या है, नई अलुवियल मिट्टी यानी अलुवियल सॉइल है, नई जलोढ़ मिट्टी है। तो कितने ज्यादा चीज आप देख रहे हो कमेंट बॉक्स में, आप देख, अगर लग रहा है सर बिल्कुल ये सही तरीका है तो कमेंट बॉक्स में दिखाना बिल्कुल, ठीक है। चलिए सर पेडलफर क्या है कि एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड से बना है, या क्षेत्रीय मिट्टी के क्रम का एक उपखंड है। क्षेत्रीय मिट्टी यानी कहां पाया जाएगा, ये रीजनल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर, जिसमें मिट्टी का एक बड़ा समूह शामिल होता है, जिसमें मिट्टी के निर्माण के दौरान सिलिका के सापेक्ष पेडलफर आमतौर पर नम क्षेत्रों में होता है। यानी ये कहां होगा, तो जहां ह्यूमिडिटी एरिया होगा वहां पर इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है। चलिए, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो इज रिटेन बाय विच ऑथर, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है, एमिली ब्रोटे, रस्किन बॉन्ड, आइजॉन ऑस्टेन या हेनरी फील्डिंग, क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, तो क्या होगा बालक, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, और ये क्वेश्चन 2018 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2018 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है,
2018 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, याद करिएगा गांधी जी। मैं इसलिए जिक्र किया कि गांधी जी किसके द्वारा प्रभावित थे, यानी गांधी जी अनटू दिस लास्ट, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अनटू दिस लास्ट जो एक बुक है, तो किस राइटर के द्वारा अनटू दिस लास्ट लिखा गया है, अनटू दिस लास्ट किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, जल्दी अनटू दिस लास्ट किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड, कतई नहीं, गलत। अनटू दिस लास्ट किसके द्वारा लिखा गया, लियो टॉलस्टॉय, किसके द्वारा लिखा गया बच्चा, लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी बहुत प्रभावित थे इनसे, गांधी जी बहुत प्रभावित थे इनसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूड विच पासेज थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेज थ्रू डैश, सिक्किम से गुजरने वाला छांस भी से होकर गुजरता है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल नया क्वेश्चन लग रहा होगा आपको ये, हमें लगता है जो बच्चा एग्जाम दिया होगा एसएससी सीजीएल का उसे ये क्वेश्चन मिला होगा, अदरवाइज जितने सारे बच्चे होंगे ये पहली बार क्वेश्चन देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जल्दी बताओ, राजस्थान क्या होगा, ये राजस्थान है, यानी सर क्वेश्चन क्या कहा कि सिक्किम से गुजरने वाला छांस भी होकर गुजरता है। अब ये पता है क्वेश्चन कैसे निकला, सो बिल्कुल समझना, अगर मैं ये इंडिया का ये अर्थ पृथ्वी लूं और यहां पे सर ये इक्वेटर है, यहां पे 23.5 डिग्री हो गया, तो भैया कह रहा है 27 डिग्री, समझ रहे हो, यानी कौन सा डिग्री की बात कर रहा है, कौन सा डिग्री की बात कर रहा है, तो आइए समझते हैं, मैं इसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। 27 डिग्री क्या है ये, 27 डिग्री, यानी अगर हम इंडिया की मैप की बात करें बच्चों, तो यहां पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, सिक्किम यहां है और राजस्थान यहां है, तो इंडिया का मैप ऐसे है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी यहां राजस्थान और यहां सिक्किम, दैट मींस क्या हो गया, समझ में आ गया ना क्या क्वेश्चन कहा, यानी सिक्किम से गुजरने वाला छांस राजस्थान से होकर भी गुजरता है, तो 27 डिग्री जो कहा राजस्थान के अलवर से और सिक्किम के गंगटोक से होकर गुजरता है। अरे यार पढ़ तो लो, अनब्लॉक कर दो, मतलब तुम्हारा टाइम भी जाएगा, करते रहोगे ऐसे ही, समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझने की जिम्मेदारी ऐसी है, यानी जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सर ये 0 डिग्री, तो ये 1, 2, 3 करके ऐसा जाएगा बच्चा, तो ये 27.5 डिग्री होगा, 27.5 के बाद 24 होगा 25 होगा 26 27 होगा ना, तो जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, तो वैसे ही जो 27 डिग्री लेटिट्यूड है वो किस किस राज्य को टच करेगा, तो 27 डिग्री लेटिट्यूड राजस्थान को टच किया और सिक्किम को टच किया, समझ में आ गया, राजस्थान को टच किया, सिक्किम को टच किया, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि क्या कहा क्वेश्चन, सो यानी क्वेश्चन क्या कहा कि जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, तो हम क्या कहेंगे कि कर्क रेखा जैसे, हम ऐसे समझ लें कि मित्र पर गमछा झाड़, समझना, तो जैसे 23.5 डिग्री मिजोरम से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, वैसे ही 27 डिग्री राजस्थान से गुजरा और सिक्किम से गुजरा, क्वेश्चन यही कह रहा था,
क्वेश्चन यही कह रहा था। समझ में आ गया? अब अगर समझ में आ गया तो जरा थंब दिखा देना, बिल्कुल सर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द काला पानी टेरिटरी इज एन एरिया डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है। काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। चलिए जल्दी बताओ क्या होगा। दिख गया ना? बहुत बढ़िया। चलो अब कई सारे बच्चों को लगता है सर कि आप गुस्सा नहीं है, एक्चुअली होता क्या पता, आप लोग इतने कमेंट्स करते हो फर्जी है, कमेंट्स ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो। देखो जो बच्चा पढ़ने वाला है सर वो अपना सिलेक्शन लेगा, चुटकी बजाया, सिलेक्शन लिया, निकल लिया, तो चिल रहो, कूल रहो। क्या होगा इसका? क्या होगा? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड यानी काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है। काला पानी क्षेत्र भारत किस राज्य में स्थित है? तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर नेपाल से कौन सा राज्य टच करता है, नेपाल से कौन कौन सा राज्य टच करता है। तो जरा बताओ नेपाल से कौन कौन सा राज्य टच करता है, पहले यह समझ लें। काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है, लेकिन उत्तराखंड क्षेत्र में पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में भारतीय प्रशासन के अधीन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नेपाल से जो टच करेगा वही तो, यानी आप ये इमेज देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये काला पानी क्षेत्र है और ये नेपाल, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर बात करूं सर नेपाल की और इंडिया की कि कौन सा राज्य टच करता है, कौन सा राज्य टच करता है, भोजपुरी आती है ना, कितने लोगों को भोजपुरी आती है, कितने लोगों को भोजपुरी आती है भैया? अगर गाड़ी पंक्चर हो जाए तो कंडक्टर कहता है उतर उतर, बस पंक्चर बा, यानी उतर उतर बस पंक्चर बा, बस पंक्चर बा। यानी सर यूपी टच करता है नेपाल से, उत्तराखंड टच करता है नेपाल से, बिहार टच करता है नेपाल से, सिक्किम टच करता है नेपाल से, वेस्ट बंगाल टच करता है नेपाल से। यानी ये हो गया तरीका, ये हो गया ट्रिक, आप जैसे याद रखो, आप अब जैसे याद रखो, यानी उत्तर से यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पंचरबा यानी पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हुए? तो सर दो चार और पांच, यानी नेपाल से जो टच करता है वो पांच भारतीय राज्य है। कौन सा? पांच भारतीय राज्य है। समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। चलिए चलो जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी। विद्या देवी भंडारी, पीएम केपी शर्मा ओली, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सेवन, हमने क्या वेला भोजपुरी, बहुत बढ़िया। देखो सर कहा प्लांट हार्मोन नहीं है, सर ये थायरोक्सिन कहां पाया जाएगा यार हमारे में, बाकी बात जितने सारे हैं सब के सब, ये कितने, कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? एक प्लांट हार्मोन है, क्या है वो? प्लांट हार्मोन है, अदरवाइज क्या है ये प्लांट हार्मोन नहीं है। यानी बच्चों ऐसे समझ लो कि प्लांट हार्मोन जिसे फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, एक बार पूछा गया क्वेश्चन कि सर प्लांट हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, तो प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ है, एक क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, पौधे के विकास, आखिर भैया पौधे के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के हार्मोन का उत्पादन करते हैं, यह देखिएगा। तो कौन कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिंस, एब्सिकिस हार्मोन, साइटोकिनिस हार्मोन, एसे हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। अब एक चीज समझना, एथिलीन और एसिटिलीन में बहुत गड़बड़ होता है, ये देख रहे हो। एथिलीन और एसिटिलीन जब कहेगा कि जो फल नेचुरली रूप से जो पकता है, प्राकृतिक रूप से जो पकता है, उसे हम कहते हैं एथिलीन, उसे हम कहते हैं इथिलीन या एथिलीन, इथिलीन। लेकिन जो आर्टिफिशियल रूप से जो फल को पकाते हैं उसे हम कहते हैं एसिटिलीन, उसे कहते हैं एसिटिलीन। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो इथिलीन है ये नेचुरल है, यानी फल पक गया पेड़ में, मैंने कुछ नहीं करा, यानी बाहर से कुछ नहीं किया। जबकि अगर एसिटिलीन यूज करेंगे तो कृत्रिम रूप से जो आम को पकाया जाता है, केला को पकाया जाता है, तो यही अंतर है एसिटिलीन और इथिलीन में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। व्हाट आर विटामिन? विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ या नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं? जल्दी हाँ, कार्बाइड कहते हैं जो फल पकता है ना। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बोध के चक्कर में गलती करा बैठे, बोध के चक्कर में अपना चालान कटवा बैठे। बोलते हो ना सर चालान कट गया हमारा, तो बोध काहे किए? किसने कहा था बोध करने? किसने कहा था बोध करने? आप पढ़ते हो ना कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन एक कार्बनिक मिश्रण है या कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक काहे करा बैठे? विटामिन कार्बनिक यौगिक है और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिनकी एक जीव को सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन की खोज, एक डिस्कवर की बात करें तो सर एक कैश्मीर फंक है और एफजी हॉपकिंस, खोज किया एफजी हॉपकिंस ने, लेकिन साहब ने कभी नाम रखा ही नहीं। लेकिन नामकरण करता है कौन? फंक करते हैं साहब, इसीलिए हम फंक को कहते हैं, इसीलिए फंक को कहते हैं। यानी कैश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की है। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। 1 2 कितने प्रकार के विटामिन होंगे जरा कमेंट बॉक्स में बताना। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यह भी क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, ये तो बच्चा एकदम ऐसा ही देख के बना दे, बच्चा देखकर ऐसे ही बना दे, ये बिल्कुल चुटकी वाले सवाल। तो सर विटामिन के, विटामिन दो प्रकार का होगा, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। 1911 में कैश्मीर फंक ने किया। तो सर वाटर सोल्यूबल की बात करें तो बी और सी, फैट सोल्यूबल की बात करें तो ए डी ई और के, ए डी ई और के। के की बात किया, खून को जमाने के लिए विटामिन के चाहिए, लेकिन सर बॉडी के अंदर अगर खून जमता नहीं है तो किसके कारण? वो एक प्रोटीन है या विटामिन है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों कि बॉडी के अंदर जो ब्लड नहीं जमता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन या फैट्स? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर क्लॉटिंग नहीं होता है वो कौन जिम्मेदार है? विटामिन है, प्रोटीन है, हार्मोन है या फैट्स है? कौन है? मैं केवल पूछा हूं, नाम नहीं पूछा कि पैरिन क्या होगा, प्रोटीन के कारण, किसके कारण? प्रोटीन, 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 बिल्कुल सही। देखो प्रोटीन, जो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं सर, एक होता है फिब्रिनोजेन और एक होता है हिपेरिन। तो जो फिब्रिनोजेन है वो विटामिन के मदद से बाहर जमा देगा, और शरीर के अंदर अगर जमाएगा तो भाई मर जाएंगे ऐसे ही। देख तो कभी कभी ठंड लगती है, लगता है कपाने वाली सर्दी लग गई है, कपाने वाली सर्दी लगी है। तो ये हिपेरिन का काम है अंदर में क्लॉटिंग ना करें। तो कौन होगा? ये प्रोटीन है, ये कौन है? प्रोटीन है। और प्रोटीन की खोज किसने की है? बर्जिलियस ने किया है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना अगर मैं सही हूं तो। अगर मैं सही हूं, हां सर बर्जिलियस ने किया था प्रोटीन की खोज, तो दिखाना थंब, और अगर नहीं तो बताओ, जवाब दो, ठीक है। चलो बहुत शानदार। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के लिए कौन जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं, देख लो, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछता ही पूछता है। चलिए जल्दी,
चलो 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 जल्दी बढ़ा बर्जिलियस बहुत बढ़िया सुपर बहुत बढ़िया थैंक यू। ये सवाल सर वर्ल्ड वाइड वेब WWW की बात करें तो किसने किया टीम बर्नर्स ली ने किया है किसने किया टीम बर्नर्स ली ने किया है। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों मार्टिन कूपर ने क्या खोजा है मार्टिन कूपर ने क्या डिस्कवर किया 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 है जल्दी मार्टिन कूपर ने क्या डिस्कवर किया है कमेंट बॉक्स में बताओ। सर टीम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था मोबाइल बहुत बढ़िया सुपर और माउस 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 डगलस एंजल बॉट ने माउस की खोज की है डगलस एंजल बॉट ने माउस की खोज की है बहुत बढ़िया मोबाइल। चलिए कौन सी जोड़ी गलत है मुथुस्वामी कर्नाटकी संगीत परवीन सुल्ताना सिंगर हैं एमएस गोपाल कृष्णन वायलिनिस्ट हैं या नंदलाल बोस बांसुरी वादक हैं क्या होगा चलिए सर नंदलाल बोस। अच्छा नंदलाल बोस क्या है बच्चों नंदलाल बोस क्या है क्या होगा नंदलाल बोस के साथ बताओ क्या होगा नंदलाल बोस के साथ कौन है नंदलाल बोस। तो सर नंदलाल बोस एक पेंटर हैं और एक पेंटर हैं और याद रखना कि जो हमारा संविधान का ऊपर वाला पेज है कवर पेज संविधान के कवर पेज को जो डिजाइनिंग की गई है किसके द्वारा की गई है नंदलाल बोस के द्वारा की गई है संविधान का जो कवर पेज है उसकी डिजाइनिंग किसके द्वारा की गई है नंदलाल बोस के द्वारा की गई है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शायद पहले। तो नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। अवनिंद्रनाथ टैगोर के एक शिष्य बोस को उनकी भारतीय शैली के लिए जाना जाता है जाना जाता है। तो कितने सारे क्वेश्चन निकल रही है समझना कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में से कौन रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक है जो एक अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी है। अब एक साथ दो क्वेश्चन निकल कर आया एक साथ आपके दो सवाल निकल कर आए। पहला सवाल क्या है कि सर रेखा की जो जीवनी है रेखा की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है तो रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। सर ये किसने लिखा चार ऑप्शन आपके सामने हैं चार ऑप्शन आपके सामने हैं क्या होगा चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। यासर उस्मान यासर उस्मान है यासर उस्मान है जिन्होंने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखा है। अरे सर ये सब तो हीट क्वेश्चन है ये सब हीट क्वेश्चन है अगर ये गलती करेंगे और आप याद रखिए चाहे एसएससी हो रेलवे हो बैंकिंग हो या डिफेंस हो या पुलिस हो कोई भी पेपर हो एक तो बुक्स एंड ऑथर्स तो आएगा ही आएगा बुक्स एंड ऑथर्स तो आएगा ही आएगा। हिस्ट्री वाला पूछता है तो आपके लिए सोना में सुहागा याद है लेकिन नया वाला पूछेगा तो बच्चा पागल हो जाएगा हम लोग क्या होगा क्या। तो इसीलिए ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन पारो टकसंग भूटान पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर श्रीलंका। चलिए सर आपका एजुकेशन क्या है बच्चे मेरे एजुकेशन की बात करोगे तो मैंने दो सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर रखी है मेरा पीएचडी चल रहा है और मैं सिविल मेंस की तैयारी में लगा हूँ और क्या बता दूँ अपने बारे में। सिलेक्शन लो जब 1-to-1 मिलेंगे सिलेक्शन लो इसके बाद मैं अपने स्टूडियो बुलाऊँगा पूरे इंडिया को दिखाऊँगा कि ये देखो बच्चा ने सिलेक्शन लिया इसके बाद मैं बता दूंगा कि मेरी
मैं अभी करके आ रहा हूं तत्काल में, ठीक है। चलो सर, श्रीलंका पद्मनाभन स्वामी मंदिर ये कहां है? ये केरल है। ये कहां है बच्चा? ये केरल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि भूटान सही है, चाइना सही है, नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, ठीक है। आगे देखो तो सर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। कहां है? तिरुवनंतपुरम में है। एक हिंदू मंदिर है, और सबसे बड़ी चीज बच्चे कि मलयालम भाषा में इस शहर को, तिरुवनंतपुरम शहर का नाम क्या है? द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत, द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत, समझ में आ गया? द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत मलयालम भाषा में किसे कहा जाता है? तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है, जो केरल की कैपिटल है, जो केरल की कैपिटल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस बाजार में कुछ फर्मों के बाजार या उद्योग का प्रभुत्व है? इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फर्म्स? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक? भैया बड़ी चिंता हो रही है आपको बुलंद सर जी, आप नौकरी तो कर लो, बहुत चिंता हो रही है आपको। चलिए देखो, मुझे पता है बच्चे मोनोपोली कहेंगे, लेकिन ये होगा ओलिगोपोली, ये होगा ओलिगोपोली। अब ये ओलिगोपोली है क्या, ये समझते हैं, इसके बाद मोनोपोली आपका जो जवाब है वो बिल्कुल कैसे गलत होगा, बिल्कुल समझना। कहा सर? ओलिगोपोली, जिसमें बहुत कम फर्मों द्वारा एक बाजार चलाया जाता है, जो एक साथ अधिकांश बाजार हिस्सेदारी को नियंत्रित करता है, जो एक साथ अधिकांश बाजार को नियंत्रित करता है। जो आप मोनोपोली कह रहे हो ना बच्चों, मोनोपोली कह रहे हो ना, मोनोपोली मतलब हो गया समझ में आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, एक दिन मार्केट पढ़ा देते हैं आपको, लेकिन यार ये एसएससी के लिए है, क्या करोगे रेलवे वालों पढ़कर, ये एसएससी के लिए है मार्केट, कि परफेक्ट कंपटीशन किसे कहेंगे, मोनोपोली किसे कहेंगे, ओलिगोपोली किसे कहेंगे, मोनोपोलिस्टिक किसे कहेंगे, ये मार्केट एसएससी में डेप्थ आता है, आपके रेलवे में पूछा ही नहीं जाएगा, केवल ये डिफिनेशन पूछा जाएगा। तो एक दिन मैं आपको आज के ज्ञान में पढ़ा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये तो सब ऐसे ही मारेंगे, चलिए बताओ क्या होगा। सर ये बिल्कुल हलवा वाला सवाल, 1928 में बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था इसे, और बारदोली में जो सत्याग्रह हुआ था वो एक किसान के समर्थन में था, किसान के समर्थन में था, और यहीं पर बारदोली में ही जो वहां की महिलाओं ने क्या किया था, सरदार की उपाधि दी थी, और गांधी जी ने इसे फेमस कर दिया। तो जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर सरदार की उपाधि किसने दी, तो क्या कहोगे कि बारदोली की महिलाओं ने दी, लेकिन बारदोली की महिलाएं अगर ऑप्शन में ना है तो क्या कहेंगे, अरे सर गांधी जी ने दिया था। किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया? गांधी जी ने दिया था, याद रहेगा, किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। यानी देखो कहता है सर, 1928 का बारदोली सत्याग्रह ब्रिटिश राज के दौरान भारत के गुजरात राज्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख प्रकरण था। इस आंदोलन को जो लीड किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, जावेरे भाई। अगर पूरा नाम की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई जावेरे भाई की बात करें, पटेल जो भारत की पहले
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, उन्हें 1991 में भारत रत्न मिला है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए कि भारत रत्न कब मिला इन्हें, मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिलता जुलता सवाल है ये। इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, आयरन मैन या बिस्मार्क ऑफ इंडिया, जो कह लो बालक, जो कह लो बालकों, वो होगा। तो सर भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा भारतीय शांति के जनक? जल्दी, किसने कहा भारतीय शांति के जनक? ये तो ठीक है कि सर तिलक को कहा गया, किसने कहा? शिवली गौर जी, धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू डियर। चलो, वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन मत बोलना, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा, हमेशा याद रखना। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? अच्छा, कितने बार की थी? चलो आसान सा सवाल, ईयर देंगे तो गड़बड़ करोगे। कितने बार की थी? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी, कितनी बार की थी बच्चों, जरा बता दो। सर बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए और वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय शांति के जनक के रूप में कहा, जिन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। कितनी बार अध्यक्षता की थी? सब तीन बार, चार बार, पांच बार, दो बार, एक बार भी नहीं, एक बार भी अध्यक्षता नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। याद करिए ना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, तो किस बात को लेकर हुआ था? इनकी अध्यक्षता को लेकर हुआ, इनकी अध्यक्षता को लेकर हुआ। तो एक बार भी अध्यक्षता नहीं की गई है। सुधर सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी आपके पास समय है। जो गलती करते हो ना, तुक्का मारते हो ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हम काउंट करते हैं, पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली या वेस्टर्न घाट? चलिए, अरे गूगली नहीं फेंके, अब आप फंस गए तो क्या करें? मैं बताओ, मैं क्या करूं? गलती आप करते हो, मैं करता हूं, गलती आप करते हो ना। चलो इसका जवाब दे दो, ये अच्छा, अरे आसान सा सवाल है। देखो कहा क्या पता है, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल की बात करता है, सर ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है और ये टेम्परेट है, 23.5 और 0 के बीच, यानी 23.5 से 23.5 के बीच ये ट्रॉपिकल रीजन होगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां, 876 किलोमीटर दूर है इक्वेटर से, तो यानी ट्रॉपिकल रीजन के पास आएगा। तो जवाब क्या होगा? ट्रॉपिकल रीजन होगा, बिल्कुल वेस्टर्न घाट होगा। जबकि सर ईस्टर्न घाट कहां है? यहां है, ईस्टर्न घाट यहां है। तो ज्यादा विविधता है ही नहीं ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में ज्यादा विविधता है। क्यों? क्योंकि सह्याद्री की श्रृंखला यहां है जो 1600 किलोमीटर है, सह्याद्री की श्रृंखला है वेस्टर्न घाट में जो 1600 किलोमीटर है। विंध्याचल की बात करेंगे तो ये यहां दिखेगा,
अरावली की बात करेंगे, सबसे पुरानी पर्वत जो राजस्थान में है, सबसे पुरानी पर्वत जो राजस्थान में है। सर आप बहुत क्यूट हो, धन्यवाद, शुक्रिया। चलो आगे देखो सर, पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा कवर किया गया है, बिल्कुल सही। भारत में जो सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढलान में, पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढलान में यहां पे केरल कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय जंगलों में जो प्रमुख पेड़ है वो महोगनी है, आबुनस है और सीसम है, और सीसम है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की अंतिम सीमा को क्या कहा जाता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये भी, अगर आपने पेपर दिया होगा तो मिल गया। मैग्नेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मेसोपॉज या मैग्नेटोपॉज क्या होगा? हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया दीपिका सिंह। अच्छा मैं वाईफाई में भी लाइव हूं भैया, ये देखो जादू है, और ब्लैक मैजिक शो जानते हो ना, ब्लैक मैजिक शो देखते हो ना, जादू है ये, एक जगह दोनों। चलो जल्दी बताओ क्या होगा बालक, क्विक जल्दी जल्दी जल्दी। देखो मैग्नेटोपॉज होगा बच्चा, क्या होगा? मैग्नेटोपॉज होगा। ये कतई गलती मत करना, मेरी बात मानो ना, आए गलती मत करना यार। क्या किया जाए बताओ आप, क्या किया जाए, इतना गलती करोगे कैसे जीवन सुधरेगा, कैसे जीवन सुधरेगा? कहा पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की जो अंतिम सीमा है उसे हम मैग्नेटोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटोपॉज कहते हैं। अरे सर आयनोस्फीयर ये आयन मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया। और एक चीज समझना कि ये जो लेयर है ना, पांच लेयर पांच परत, कई बार सेटर क्या करता है कि जो ये इंग्लिश वाला वर्ड है हूबहू जो मैंने रखा मैग्नेटोस्फेयर, हूबहू ऐसे ही रखता है। स्ट्रेटोस्फेयर आप जानते हो संताप मंडल, सेटर क्या करेगा स्ट्रेटोस्फेयर फेंक देगा, बहुत गड़बड़, क्या करें। तो दोनों चीज याद रखना पड़ेगा आपको। ट्रोपोस्फेयर आप जानते हो क्षोभ मंडल, दोनों चीज याद रखना पड़ेगा आपको, दोनों चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो ये सर कहा क्या, मैग्नेटोपॉज ये वाली देख रहे हो, ये इंटरनल है, और जैसे जैसे बाहर चले जाएंगे हम, जैसे जैसे हम बाहर चले जाएंगे, सार्वभौमिक स्वीकर्ता कौन सा रक्त समूह है, यानी विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। चलिए बता देंगे किस कारण से आपका शरीर कांपता है जब रोते हैं तब। ये गलती मत करना, ये ए बी पॉजिटिव है, मैंने आपको बता रखा है। ओ नेगेटिव की बात करेंगे, यूनिवर्सल डोनर है ये, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव की बात करेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ठीक है। यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या होगा? ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल रिसेप्टर है। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई है, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई है। मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड ग्रुप में एक आरएच फैक्टर होता है, उसकी खोज किसने की है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? सर वो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं बच्चा, क्योंकि ओजोन परत वहां स्थिर होता है। लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की है, इसीलिए उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला मेडिसिन का। और कार्ल लैंड स्टीनर
एंड वीनर, लैंडस्टीनर एंड वीनर दोनों ने आरएच फैक्टर की खोज की है, दोनों ने आरएच फैक्टर की खोज की है, ठीक है। ये कुछ सर आपको पीडीएफ में ये दिख जाएगा, ये क्या है बच्चों समझना कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ले सकता है। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जब आपको ये पीडीएफ मिले तो अच्छे तरीके से समझ सको। एक चीज समझना, जो ए बी पॉजिटिव है वो केवल और केवल किससे लेगा, ये किसको देगा, सॉरी किसको देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा और सबसे ले लेगा, ये सबसे ले लेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु सेलेक्ट द सोशल ऑडिट कमिटी अंडर मनरेगा स्कीम, मनरेगा योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन कौन करता है, मुख्यमंत्री, ग्राम सभा या महापौर, मेयर, मेयर या बीडीओ। चलिए वीना राज जी, एसएससी की जो क्लास है वो मिल जाएगी आपको, मंडे से कंटिन्यू हो जाएंगे, पहले पहले कृति मैम का क्लास आएगा, इसके बाद मेरा आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो लिया है ना, अरे बिल्कुल आएगा, धीरज रखिए, पेशेंस, हैव पेशेंस। चलिए ग्राम सभा क्या होगा, ग्राम सभा, देखो एक जतीन बच्चा है वो कह रहा है कि सर मैं मच्छर से खून ले सकता हूं क्या, देखो तो उसी के जैसा एक छोटा सा स्टोरी समझना, अगर मजा आएगा ना तो बिल्कुल इमोजी भेजना। उसी के जैसा बच्चा था, वो कहता है सर स्कूल, वो मतलब स्कूल था, स्टूडेंट था, स्कूल स्टूडेंट था, तो वो जब आया स्कूल दो दिन के बाद तो उसे पूछा गया कि बच्चा स्कूल काहे नहीं आया कल, तो बोला सर कुत्ते ने काट लिया था, तो बोला तुमने क्या किया, बोला सर कुछ नहीं किया, बोला अरे बेवकूफ जब तुम्हें कुत्ते ने काट लिया बदले में तुमने भी काट लिया होता उसे, बदला बराबर हो जाता। तो वही हाल इनका है कि सर मच्छर मुझसे खून चूसता है तो क्या मैं मच्छर से खून चूस लूं, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, सोचो, मतलब मुझे कुत्ता काटता है तो मैं भी कुत्ते को काट लूं, बहुत बढ़िया। देखो कहा सर मनरेगा योजना की बात करेंगे, तो सर ये मिट्टी से जुड़ी काम है, मिट्टी से जुड़ा कार्य है, ये मिट्टी से जुड़ा ही कार्य है। और 2005 में मनरेगा लाया गया, बाद में 2008 में महात्मा गांधी ऐड किया गया, तो ग्राम सभा ही डिसाइड करती है, ग्राम सभा ही डिसाइड करती है कि भैया मनरेगा योजना के तहत जो पैसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो कौन करेगा डिसाइड, ग्राम सभा करेगा, कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, चलिए कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि इट्स नोट्स अबाउट यू, इनविजिबल पीपल, एन एरा ऑफ डार्कनेस या डेमोक्रेट्स एंड, जल्दी बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर कुछ नया प्रश्न लाइए, हाँ चिंता मत करिए नया प्रश्न नहीं है, पहले ये सही तो कर लो, जरा बताना कमेंट बॉक्स में बच्चे आप कि 40-45 में आपने कितना सही किया है, 45 में आपने कितना सही किया है। कौन सी पुस्तक शशि थरूर ने लिखा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाबर नामक किस भाषा में लिखा गया था, चगताई मंगोल, चगताई तुर्किक, चगताई फारसी, चगताई अरबी, बताइए। अभी जो कौन से बच्चे थे जो कह रहे थे सर नया क्वेश्चन लाया है, लाइए बताइए जरा सवाल क्या होगा, ये इसका जवाब क्या होगा जरा बताइएगा। और सेशन अगर मजा आ रहा है यार, देखो 2000 प्लस हैं और लाइक्स कितने दिखते हैं, तो 1000 लाइक तो कर दो, सेशन मजा आ रहा है तो लाइक तो कर दो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक तो कर दो यार, लाइक तो बनता है नहीं। देखो सर चगताई तो ठीक है, आपको पता है बाबर नामा की बात करेंगे तो बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया है, बाबर नामा की बात करेंगे तो लिखा गया है किस भाषा में,
फारसी भाषा में तुर्की नहीं सर, तुर्की लिखा गया था तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी बाबर ने चगदाई तुर्किक में लिखा, लेकिन बाबर नामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, जब अकबर ने ट्रांसलेट डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, अनुवाद विभाग की स्थापना की, तो जब अनुवाद विभाग की स्थापना की तब जो खाने खाना है वो बाबर नामा लिखता है किस नाम से, तुझके बाबरी को बाबर नामा लिखता है किस भाषा में, चगताई फारसी भाषा में, क्या होगा चगताई फारसी भाषा में, समझ में आ गया, क्या होगा पारसियन होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर थ्री, क्या होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट, और ये गलत है, ये मिस्टेक से, ठीक है, समझ में आ रहा है बातें कि कहां मैंने क्या किया, चलिए अरे भैया ये गलत है, अच्छा ये बताओ अब जो टाइपिस्ट ने गलत कर दिया तो क्या करें, सो बोलो सुधारा ना, मैंने सुधारा ना, बाबर ने अपने जीवनी यानी बाबर नामा किस भाषा किस नाम से लिखी थी, तुझके बाबरी के नाम से, और बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य केवल दो सम्राट हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, किसने तो बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, बाकी बात सबने दूसरा से लिखवाया, जैसे हुमायूं नामा लिखवाया किससे, गुलबदन बेगम से, और ठीक है चलिए, बाबर नामा को इस्लामिक साहित्य में पहली सच्ची आत्मकथा भी कहा जाता है, चलिए आगे देखिए, बीजापुर राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, यूसुफ आदिल शाह, मुराद सेकंड, महमूद द्वितीय या महमूद इब्राहिम, चलिए हाँ प्रदीप भारद्वाज जी, मैंने हल्के में लिया ही नहीं भले बच्चे, मैं तो पता है मुझे, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य के संस्थापक के रूप में थे, यानी बीजापुर की स्थापना किसने की, आदिल शाह, बीजापुर का कैपिटल कहां था जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि बीजापुर का कैपिटल कहां है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, उस समय बीजापुर का कैपिटल कहां है, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजा का निर्माण किया, विच अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द अलाई दरवाजा, अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी या हुमायूं, जल्दी गोलकुंडा, जहां से कोहिनूर डायमंड निकाला गया था, गोलकुंडा, ठीक है, तो सर कहता है किसने अलाई दरवाजा का निर्माण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो कहां दिल्ली में है, कई बच्चा अकबर बनाएगा, कई सारे बच्चे इसे अकबर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अकबर ने भी एक दरवाजा बनाया था, कौन सा दरवाजा, जो आगरा में है, बुलंद दरवाजा, जो कहां है, जो आगरा में है, वही तो कह रहे हैं, देखो कई सारे बच्चे लगाएंगे अकबर जो बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सिकरी आगरा में, किसके उपलक्ष में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष में, ठीक है समझ में आ रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया, अलाई दरवाजा 1311 ईस्वी में खलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया, यह 14 उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करने की योजना का एक हिस्सा था, उन्होंने 4 फाटकों के निर्माण की योजना बनाई, केवल अलाई दरवाजा पूरा किया जा सकता था क्योंकि उनकी मृत्यु 1316 में हो गई, 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है चलिए आगे देखिए, यह कुतुब परिसर के दसवें भाग में 1993 में दरवाजा और परिसर के अन्य स्मारकों को विश्व विरासत स्थल नामित किया गया था,
कौन प्राणी कोशिकाओं में मौजूद नहीं है? Which of the following is not present in animal cells? Plastids, mitochondria, ribosome या cytoplasm? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। अरे फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सिकरी कहाँ? आगरा है, जो अकबर की राजधानी थी, जो अकबर की कैपिटल थी। क्या होगा ये प्लास्टिड्स? ये किसमें होगा? ये प्लांट सेल में है, ये प्लांट सेल में है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब के सब किसमें पाए जाते हैं? ये एनिमल सेल में है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स किसमें होगा? ये प्लांट सेल में है। यानी बच्चों ऐसे समझ लो कि प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन है जो पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां? पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड्स भोजन के निर्माण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। प्लांट सेल में भोजन का निर्माण कौन करेगा? प्लास्टिड्स। यानी इसी से निकलता है लवक, इसे हिंदी में कहते हैं लवक, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो। ठीक है, समझ रहे बात को? इनमें अक्सर प्रकाश संश्लेषण होते हैं और विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं जो कोशिका के रंग बदलने में, कोशिका के रंग बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। तो ये सर एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। सेल वॉल किसमें होगा? प्लांट सेल में होगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? प्लांट सेल में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, लाइसोसोम दोनों में होगा, समझ रहे हो? सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, गॉल्जी अपरेस दोनों में होगा, न्यूक्लियस भी दोनों में पाए जाएंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसमें नहीं पाए जाते हैं। जो इस एग्जांपल सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मनुष्यों में हीमोग्लोबिन का निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 26, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होगा? चलिए, हो गया पढ़ा हुआ? हाँ, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। सर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। तो मनुष्यों में हीमोग्लोबिन का निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक संबंध है, कौन सा? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। CO2 कतई नहीं होगा। यानी मनुष्यों में हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बहुत अधिक आत्मीयता होती है, जो कार्बन कार्बोक्सी मोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो कि रंग में बहुत चमकदार लाल होता है। इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए समस्याग्रस्त है। क्यों? क्योंकि जितना भी पॉल्यूटन एरिया है, प्रदूषण वाला क्षेत्र है, वहां जाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? जिससे क्या होगा कि ये तुरंत हमारे हीमोग्लोबिन के संपर्क में आता है, हीमोग्लोबिन के संपर्क में आता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम या फारिंग्स या स्प्लीन? जल्दी, विषैला पदार्थ है तभी तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। ओपिनियन बहुत देते हो यार, यहाँ बच्चे एक दूसरे से इतने ओपिनियन देते हैं, ये करा दो, वो करा दो, कुछ तो करोगे नहीं। कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? प्लीहा। सर स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, फैरिंग्स, स्प्लीन क्या है बच्चे? तो ये एक तरह से मानव का ब्लड बैंक है। ये क्या है?
ये ब्लड बैंक है, ये क्या है, ब्लड बैंक है हमारा, यानी हमारा ब्लड कहाँ जमता है, स्प्लीन में जमता है। स्प्लीन को ग्रैब यार्ड कहते हैं, ग्रैब यार्ड कहते हैं, यानी स्प्लीन को कब्रगाह कहते हैं। किसका, हीमोग्लोबिन का, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहेंगे, हीमोग्लोबिन का कहेंगे। बाकी बाद रेक्टम यानी फेरिंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब के सब किसका भाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। यानी प्लीहा शरीर में कई सहायक भूमिका निभाता है, या प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में, रक्त के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करता है, इसीलिए हम ग्रैब यार्ड कहते हैं। प्लीहा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन पेट और अनाशय दोनों की रक्त वाहिकाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखो कौन कौन सा। सर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है हमारा, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, एनस। एसोफेगस की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि फूड पाइप में भोजन पचता नहीं है, फूड पाइप में भोजन पचता नहीं है। किसके कारण पानी में लवण, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यह क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं आपको, जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा। अच्छा, फेरिंग्स में पचता नहीं है, बस रहता है, ठीक है आपका कहना, लेकिन अगर उसे हम निकाल देंगे तो पाचन तंत्र काम करेगा हमारा, नहीं करेगा ना। पूनम जी, ये क्लास शनिवार को 6 बजे से चलती है, ये क्लास 6 से 8 चलता है शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को, तैयार रहिएगा आप। नाइट्रेट्स मैं इसे पढ़ा चुका हूं, मैंने फिर से बताया सही सही जवाब देना इसका, क्या होगा, नाइट्रेट्स होगा, क्या होगा, नाइट्रेट्स होगा। ठीक है सर, ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चे का रोग है, एक जो नाइट्रेट से दूषित पानी है, नाइट्रेट युक्त पानी के साथ एक बेबी ड्रिंक फॉर्मूला बनाने के बाद शरीर नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में बदल देता है, और जनरली कैडमियम से इटाई रोग होगा, याद रखना। यह क्या होता है, हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, किस अंग में बोमन कैप्सूल पाया जाता है, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेन बोमन्स कैप्सूल इज फाउंड। चलिए, बोमन कैप्सूल कहां पाया जाता है बच्चा, तो आपको नहीं पढ़ना है तो आप चले जाओ ना, काहे दूसरे को परेशान कर रहे हो, क्योंकि अभी क्लास चलती है 6 से 8 शनिवार को। सर ये किडनी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है बच्चा, तो किस अंग में बोमन कैप्सूल पाया जाता है, गुर्दा में पाया जाएगा, यानी किडनी में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, ये किडनी में पाया जाएगा। दैट मीन्स सर प्रत्येक किडनी नलिका की बात करेंगे, प्रत्येक किडनी नलिका से बनी होती है, यह पता है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। एक नेफ्रॉन जो है वो सर लीवर की, यकृत की कहें, किडनी सॉरी यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगर हम बोमन कैप्सूल कहें तो ये बोमन कैप्सूल कहां पाया जाता है, ये देखो, ये बोमन कैप्सूल है, यानी लीवर में बोमन कैप्सूल कहां पाया जाएगा, ये किडनी में। गुर्दा की बात करें तो ये बोमन कैप्सूल, ये वाली जो ये वाली है, ये बोमन कैप्सूल है। हाँ, किडनी की जो है वो यूनिट क्या होता है, यूनिट हो गया नेफ्रॉन। किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। हैदराबाद शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन। देखो, हैदराबाद शहर की बात करें
तो सर नाम इसका भाग्यनगर है। प्राग ज्योतिषपुर की बात करें तो यह गुवाहाटी, मछलीपट्टनम का मसूलीपट्टनम पुराना नाम मसूलीपट्टनम, और पुरुषपुर की बात करें तो यह पेशावर। यानी सर बहुत इंटरेस्टेड यानी मजेदार कहानी है ये, बहुत मजेदार कहानी बताएंगे अभी। हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर, प्राग ज्योतिषपुर की गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे हैदराबाद, मूसी नदी किनारे, मछलीपट्टनम की बात करें मसूलीपट्टनम हो गया ना, और पुरुषपुर की बात करें पेशावर। पता है कहानी क्या है इसका? बिल्कुल कहानी सर, हैदराबाद मूल रूप से भाग्यनगर के रूप में जाना जाता था। कुतुब शाही राजवंश का एक शहर सुल्तान महमूद कुली ने 1590 ईस्वी में अपनी प्रेमिका भागमती या भाग्यमती के नाम पर इसकी स्थापना की थी। सोचो पुराने जमाने में राजा क्या करता था, अपनी पत्नी के नाम पर, प्रेमिका के नाम पर, बिलवेड के नाम पर एक शहर बसा देता था। देखा नहीं, शाहजहां ने क्या किया, मुमताज के लिए ताजमहल खड़ा कर दिया। ये कहानी है भाग्यनगर की, भागमती की या भाग्यमती की नहीं। चलो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1965, 1948, 1957 या 1956? चलिए चलो बता दो क्या होगा सर। 1956 एक्ट की बात किया ना कि स्थापना की। अगर स्थापना की बात करता तो हम कहते 1957, स्थापना की बात करता तो हम कहते 1957। समझ में आ रही बातें? हाँ, दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीर दिया, बहुत बढ़िया। ये सब तो ठीक याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि सर खादी और ग्राम उद्योग कब पास किया गया था। पहले नौकरी तो ले लो, इसके बाद बनवाना मेरे प्यारे लालो। खादी और ग्राम उद्योग आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन अप्रैल 1957 में किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई है। मुखिया कौन है इसके? तो विनय कुमार सक्सेना है, हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, आगे देखो। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? डैश वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्विक। अच्छा ये बताओ, ये जो सवाल है आप जवाब दे रहे हो, क्या सोचकर सही जवाब दिए? क्या सोचकर आपने सुकुमार सेन लगाया? क्या सोचकर सुकुमार सेन लगाए कि बाबा खुश होंगे, शाबाशी देंगे? कतई नहीं। क्यों कतई नहीं? क्योंकि जवाब आपके गलत हैं, जवाब आपके गलत हैं, जवाब आपके गलत हैं, जवाब आपके बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि यहां केवल इलेक्शन कमिश्नर की बात किया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन? सुकुमार सेन। अब कितने का नुकसान हुआ है आपका आईकांड से? कितने का नुकसान हुआ है आप आईकांड से, मैं कह नहीं सकता हूं। देखो मुख्य चुनाव आयुक्त है कहीं क्वेश्चन में? अरे यार मुझे ये कतई नहीं समझ में आता, ऑप्शन से क्यों जाते हो? क्वेश्चन तो समझ लो मेरे प्यारे भाइयों। भारतीय, अरे यार भारत के पहले लिखा, अब की भारतीय क्या करना, इंडियन रहेगा तभी। भावनाओं में मत बहना, भावनाओं में बहोगे नुकसान होगा तुम्हारा, कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है ऐसा नुकसान से। क्योंकि सर 1989 के एक्ट से हम, पहले ये एक सदस्य था,
तो 1989 के एक्ट से तीन सदस्य किया है और रेगुलर 1993 के बाद तीन सदस्य हुआ है, तभी तो चुनाव आयुक्त होगा, तभी तो चुनाव आयुक्त होगा। सर मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त जो आम तौर पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1992 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है ना उतना मिलेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, यानी 2,50,000 इनका वेतन है, 2,50,000 इनका वेतन है, समझ गए, 2,50,000 इनका वेतन है। कितना वेतन है बच्चों? 2,50,000 इनका वेतन है। क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी है? एट प्रेजेंट कौन है? सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं, अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं। समझ में आ गया? हां, कोई प्रश्न गलत बता रहा है? सही कह रहे हो, हाथ ना आए अंगूर तो अंगूर खट्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कच्छ, माहे, ठाणे, दिबांग घाटी, क्या होगा? जल्दी 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 क्विक, गूगली का बाप नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, जवाब दे देते हो तुक्का। सर कहा क्षेत्रफल के हिसाब से माहे, चार ऑप्शन आपके सामने, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माहे, सबसे बड़ा कच्छ, और पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ठाणे और सबसे छोटा दिबांग घाटी। चार ऑप्शन, चार सवाल आपके सामने निकल कर आया। पहला सवाल क्या कहता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन? कच्छ, गुजरात। माहे सबसे छोटा कहां? केरल में पड़ेगा, पुडुचेरी का क्षेत्र। ठाणे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कहां? महाराष्ट्र। दिबांग घाटी जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो कहां है? ये अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। तो याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त था? सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सर माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर। माहे कहां? केरल राज्य में है, जबकि प्रशासनिक रूप से यह पांडिचेरी के अंतर्गत आएगा। तो पांडिचेरी एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो तीन राज्य में है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। गुजरात का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है और उसके बाद लद्दाख, राजस्थान के शाही राज्य से पांच बड़े जिले आते। दिबांग घाटी भारत में सबसे कम आबादी वाला जिला है, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है? 8004 है, 8004 है, ठीक है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन है? व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? सरक्रिक, इंदिरा कॉल, किबिथू, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी जल्दी क्विक करो। इंडिया में कितने टोटल जिला? विकास दत्ता जी बात करेंगे टोटल जिले की, तो 640 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इसी को काट पीट के बड़ा छोटा करते रहते हैं हम लोग। क्या होगा ये जवाब इसका? क्या होगा सर? सरक्रिक। क्या होगा? सरक्रिक। कई लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, कई लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्यों? किबिथू के नाम पर, किबिथू। कई लोग जाएंगे 4 के नाम पर, क्यों? क्योंकि सर क्रिक कहां? तो देखते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। नॉर्थ सर इंदिरा कॉल नॉर्थ हो गया, साउथ में इंदिरा पॉइंट हो गया जो समुद्र में डूब गया,
कि बिथू ये चला गया अरुणाचल प्रदेश और सरक्रिक जो गुजरात है वो जाएगा पश्चिमी घाट पश्चिमी तरफ, सरक्रिक जाएगा पश्चिम तरफ। क्यों? क्योंकि इसे हम गौरा गुहर मोती के नाम से भी जानते हैं, यानी द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में सरक्रिक जो गुहर मोती के पास है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। समझ में आ गया तो याद रखना, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम बताइए, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह? वलांगू कहिए या किबिथू कहिए, एक ही है, ठीक है, जो पूर्वी छोर है भारत का, जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। सर ये कोलकाता बंदरगाह ऑपरेटिंग पोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग पोर्ट की, यहां से बिजनेस करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज किया गया है। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है, न्यू नेम क्या है, न्यू नेम क्या है कोलकाता बंदरगाह का, जल्दी। और सेशन मजा आ रहा है तो लाइक तो कर दो मेरे प्यारे, लाइक तो कर दो सेशन को। सर जनवरी 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, कब से काम कर रहा है ये बच्चों, 1870 से काम कर रहा है ये, 1870 से काम कर रहा है ये, कब से, 1870 से काम कर रहा है ये, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट कहोगे तो कहां कांडला का नाम चेंज हुआ, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, कहीं का कहीं लिंक मत करना। इंदिरा पॉइंट कहां है भैया, इंदिरा पॉइंट तब अब चले जाओगे अंडमान निकोबार जो समुद्र में डूब गया है, साओ जुआओ उत्सव, नाम कितना बढ़िया, साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोवंस एक दूसरे को पेश करते हैं, ये क्या है। सर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बहुत रह रहा है आज के एग्जाम में, चाहे वो बिहार ईसाई का पेपर हो या कहीं और का पेपर हो, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 37। चलिए जल्दी, क्या होगा इसका, फूल फल देते हैं एक दूसरे को, क्या देते हैं, फल देते हैं, क्या है ये यार, समझते हैं। सर साओ जुआओ एक कैथोलिक त्यौहार है, क्या है, एक कैथोलिक फेस्टिवल है जो गोवा में एक असामान्य तरीके से मनाया जाता है, जिसमें लोग सेंट जॉन जॉन बैप्टिस्ट को श्रद्धांजलि के रूप में छलांग लगाते हैं, कुआं तालाब में तैरते हैं, जो हर वर्ष 24 जून को होता है, जो हर वर्ष 24 जून को होता है, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को किसके दरबार में, सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए भेजा, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, क्या होगा जवाब इसका, क्वेश्चन में कई सारे जवाब निकल कर आए। सर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जल्दी बताइए क्या होगा जवाब इसका, जहांगीर। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में शासन किसका था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में शासक कौन था, भारत में शासक कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब भारत में शासक कौन था, जल्दी, भारत में शासक कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 की बात कर रहे हैं, 1605 में अकबर की मृत्यु होता है, तब क्या होगा, अकबर होगा, क्या होगा, अकबर होगा, जहांगीर नहीं, याद रखना, क्योंकि 1605 में अकबर मरता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में किया जाता है, जो अकबर कह रहे हैं बिल्कुल सही है 200%, क्यों, क्योंकि 1600 में कंपनी की स्थापना होती है।
ठीक है। तो विलियम हॉकिंस 1608 में और 1615 में सर टॉमस रॉ ठीक है, याद रहेगा। और जिस समय अकबर था भारत में उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट थी ब्रिटेन में, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। द बुद्धा एंड हिज धम पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू, राजा मोहन गांधी, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? जल्दी, आज बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दो चार क्वेश्चन और, अभी तो शुरुआत है, दो चार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल लगेगा सर झटका, मतलब आप हमें 11000 वोल्ट पकड़ा दिए हो, पढ़ा हुआ क्वेश्चन कैसे गलती हो जाती है। पता है गलती क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हो, ऑप्शन देखते हो, टिक कर देते हो। हाँ, इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी, बहुत बढ़िया। देखिए सर, बी आर अंबेडकर ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, आपको पता है बी आर अंबेडकर ने अपने अंतिम समय में। और सबसे बड़ी चीज कि बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? बी आर अंबेडकर है, वही बी आर अंबेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, वही बी आर अंबेडकर जो सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32 में, तो सर जब ये आए थे तो 32 बक्सा किताबें थी इनकी, और कंटेम्पररी में, समकालीन में, विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जैसे अभी की बात करेंगे तो सर विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन, तो हम मोदी की बात करें, ट्रंप की बात करें, या रशियन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें, चाइना की बात करें, लेकिन उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। 32 मतलब बक्से किताबें, सोच सकते हो तुम कि कितने हैं। जन्म कहां? इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में महू में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राज्य का सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल हैं? सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू, एनडी तिवारी, लक्ष्मीकांत झा? सीजीपीएससी में आया था, थैंक यू सर, शुक्रिया। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, नागपुर में। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, ये समझ लो। क्वेश्चन कहता है कि एक भारतीय राज्य के रूप में सर पद्मजा नायडू, हमें लगता है पहली बार आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, ये पहली बार क्वेश्चन भी देखा होगा, ये पहली बार क्वेश्चन। सर आपको पता है सरोजिनी नायडू की मृत्यु हो जाती है 1949 में, मैं आपको बता चुका हूं आज के ज्ञान में, आपको याद होगा। और पहली महिला राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, पहली राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में नागपुर की। तो सर पद्मजा नायडू सरोजनी नायडू की पुत्री हैं, कौन है? सरोजनी नायडू की पुत्री, यानी सरोजनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी यूपी की, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। उनकी बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली पहली महिला राज्यपाल हैं, समझ में आ गया। कहां? तो पश्चिम बंगाल में इन्होंने सेवा दिया है 11 साल तक। सोचो, एक राज्यपाल का जो नॉर्मल टेन्योर कहें 5 साल, वैसे तो फिक्स नहीं है क्योंकि यह राज्यपाल पर डिपेंड करता है, राज्यपाल पर निर्भर करता है, लेकिन उन्होंने लगातार 11 साल तक सेवा दिया है वहां। श्रीलंका में निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? किरगिल पुट्टा, बाइबिल रॉक, हगल्ला या माउंट पेड्रो? जल्दी, चलिए बताइए क्या होगा। यानी सर माउंट पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी,
श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो है। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी। सर पिद्रु तलगल्ला कैसा नाम है यार, कैसे याद रखेंगे बच्चे, भगवान बचा यार। मतलब मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी। तो पिद्रु तलगल्ला इंग्लिश में से माउंट पेड्रो कहते हैं। भैया माउंट पेड्रो याद रख लेना, माउंट एवरेस्ट। अरे यार तो आसान सा सवाल पूछ दिया, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ, नेपाल में ही तो है, नेपाल में ही तो है। हलवा वाला तो सवाल था ये। यानी सर फिर से देख कोशिश करते हैं सही पढ़ने का। पिद्रु तलगल्ला या माउंट पेड्रो एक सर्वोच्च प्रमुख चोटी है श्रीलंका की, जिसकी हाइट 2524 मीटर है। 2524 मीटर है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी या हॉकी। चलिए बताइए क्या होगा बच्चे। चलो कोई नहीं, माउंट पेड्रो याद रखना, काम बन जाएगा अपना। श्रीलंका पेड्रो देखिए सर, बांग्लादेश का कबड्डी है, वॉलीबॉल की बात करें श्रीलंका, अभी हमने चर्चा किया, टेबल टेनिस की बात करें चाइना, और हॉकी की बात करें इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चेप्पू इज अ यूनिक कल्चरल सिंबल ऑफ, चेप्पू डैश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है, भूटान, चीन, म्यांमार या नेपाल। क्या होगा बच्चे, नेपाल। चेप्पू एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है, कहाँ का है ये, नेपाल का है। यानी सर नेपाल के नेवार शिल्पकारों के बीच कृति मुख छवि बेहद लोकप्रिय है, जहां इसे चेप्पू कहते हैं। तो जो क्राफ्ट्समैन है, जो हाथ से बुनाई करते हैं, उनके लिए ये यूज किया जाता है। किनके लिए, उनके लिए ये यूज किया जाता है। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, ब्लीडर शब्द की बात करें बच्चों तो यह मुक्केबाजी से जुड़ा है, यह मुक्केबाजी से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है, यह मुक्केबाजी शब्द से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत किस देश में हुई है। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत किस देश में हुई है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जामदानी बुनाई की जो है ये बांग्लादेश में शुरू की गई है। कहां शुरू की गई है, बांग्लादेश में। तो सर ये है क्या, ये एक साड़ी बुनाई की कला है, देख रहे हो, एक साड़ी बुनाई की कला है। यानी ढाकई जामदानी या केवल ढकाई के रूप में लोकप्रिय कपड़ा बुनाई किस कला की जड़ें ढाका बांग्लादेश में है। कहां ये, ढाका बांग्लादेश में है। तो ये था आज का सेशन। और जो बच्चे चाह रहे थे सर मैं कैसे जुड़ जाऊं प्लस के साथ, यानी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मैं और कृति मैम एसएससी के लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी पे। अगर आपको लगता है कि सर मैं भी जुड़ूं आपके साथ अनअकैडमी पे, तो बस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या होगा, ये सात स्टेप है बच्चे। जरा से स्नैपशॉट ले लो इसे, ताकि मैं आपको समझा पाऊं, स्नैपशॉट ले लो ताकि मैं समझा पाऊं।
पहला स्टेप क्या कहता है, अनअकैडमिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करें। मोबाइल नंबर जैसे फिल करोगे उस मोबाइल नंबर में वो नंबर हो ताकि ओटीपी खुद से ले ले। वो ओटीपी आएगा, फिर गोल सेलेक्ट करना। गोल सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने मंथ का कोर्स लेना है, यानी मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि सर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो एसएससी का लाया जा रहा है वो मात्र 20 से 25 दिन का कोर्स है ये एसएससी सीएचएसएल के लिए। मैं और कृति मैम ने डिजाइन करा है, हो सकता है 17 से ये कोर्स लाइनअप हो जाए, तो सब्सक्रिप्शन में जाकर एक महीना कर लेना, ये हो जाएगा आपका। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे सीजीएल भी करना है क्योंकि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएंगे सीजीएल का, तो सर एक साल का ले लें, प्री और मेंस दोनों क्लियर, क्योंकि हितेश सर का रीजनिंग भी आएगा, संदीप सर का इंग्लिश भी आएगा, मैम का जीए जीके करंट अफेयर्स और आकाश सर का मैथ भी आएगा। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या कि सर यहाँ जितने एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, चाहे वो वाईफाई पे, सबसे आप पढ़ सकते हो, सबसे पढ़ सकते हो, लेकिन रेफरल कोड में क्या डालना है, वाईफाई चैम्प। और जैसे अप्लाई करेंगे 10% का रिबेट मिलेगा बाबा की तरफ से, लास्ट में पेमेंट कर देना, गेटवे खुलेगा और हम और आप बातें करेंगे। तो अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, सर मुझे ये कतई नहीं समझ में आया है, मैं वहां स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन कैसा रहा, हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा रहा जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो बच्चों, कि अगर सेशन मजेदार रहा, समझ में आ गया, नए नए क्वेश्चन देखने को मिले, नए नए तरीके सिखाए मैंने कि इस क्वेश्चन के साथ कैसे क्या किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन यानी क्वेश्चन के साथ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं कहाँ तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, धन्यवाद।